हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम दोपहर के समय दोस्तों निकले हुए हैं बाहर में अपने गेट के पास। एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों, अभी जो है मैं कपड़ा धोकर सुखाई अपने तार पर, आप देख सकते हैं। तो कपड़ा सुखाने वाला जो होता है, तार जो होता है, वो टूट गया। और टूट कर देख सकते हैं आप, एक रस्सी सूखा वो इस साइड हो गया, टूट गया, और एक वो टूट के उस तरफ लटक गया। बीच में मैंने चावल धोकर सुखाए थे जो कि पिसवाने के लिए, तो सारे कपड़े जो है उसमें ही गिर गया था दोस्तों। तो कुछ कपड़े को मैंने वहाँ टांग कर सुखाया हल्का फुल्का, क्योंकि तार बना नहीं सकती थी। कुछ को मैंने गेट पर लटका दिया है ताकि सूख जाए जल्दी, क्योंकि छोटा दिन है, सूख नहीं पाएगा। और बाकी जो बचा था कपड़ा इनका, वो मैंने गाड़ी पर सुखा दिया है दोस्तों। और अभी जो देख रहे हैं आप, ये चावल है, इसको मैंने धोकर सुखाया है पिसवाने के लिए, क्योंकि धोकर सुखाने से अच्छा होता है, इसमें जो गंदगी होता है वो निकल जाता है दोस्तों। तो इसीलिए चावल को मैंने पहले धो दिया है, उसके बाद इसको मैं साफ कर दूंगी, उसके बाद मशीन में दूंगी पिसाने के लिए। क्योंकि ठंड के मौसम में आजकल जो है, या कोई भी मौसम में है, वहाँ पर चावल का जो छिलका होता है वो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो फिलहाल वो लोग सूख जाए अच्छा से, क्योंकि थोड़े बादल पतली भी है, दिन भर में सूख जाएगा, इसलिए सुबह जल्दी ही मैंने इसको जो है सूखने को डाल दिया था ज़मीन पे। क्योंकि ज़मीन में जो है दोस्तों, ये भी गर्म होता है ज़मीन के अंदर, और पतला कपड़ा से आप सुखा देंगे तो वो गंदा भी नहीं होगा और अच्छा से सूख भी जाएगा। फिलहाल मेन प्रॉब्लम था दोस्तों, ये जो कपड़ा जो मैंने धोया था वो सारा नीचे गिर गया था। मैं सोच रही थी कि वॉशिंग मशीन में सुखा दूंगी, पर मुझे लगा धूप काफ़ी तेज है तो वॉशिंग मशीन को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने दोस्तों डांग में डांग कपड़ा लेने के लिए सारा कपड़ा नीचे चला गया, और गिरने के बाद फिर उसे मैंने जल्दी जल्दी उठाया, उठाकर उसको लोगों को टांग दिया। गंदा नहीं हुआ था क्योंकि ज़मीन जो साफ था दोस्तों, तो उसको मैंने वहाँ सूखने के लिए डाल दिया। वो सूख जाएंगे तो उसको जगह भरूंगी। बाय बाय दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।